कल हम घूमने माउंट हाकोटी जा रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जानते हो सुनियों भी तो माउंट हाकोटी जा रहा है। तुम्हारे अच्छे के लिए बता रहा हूँ, तुम वहाँ बिल्कुल मत जाना। क्या? डैड और मैं पिछले संडे हकोगे गए थे और हमें बिल्कुल मजा नहीं आया। वहाँ बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। क्या सच में? हमारी बस बहुत देर तक भीड़ में फंसी रही। ट्रेन में भी कोई जगह नहीं थी। रोपवे की लाइन में भी 2 घंटा खड़े रहना पड़ा। वहाँ बैठने की भी जगह नहीं थी। क्यों ना ऐसा करें कि घर पर ही आराम करें? पता नहीं, मैं घर में नहीं बैठना चाहता था। हाँ, मैं भी। अब तो बारिश होने लगी है। अरे नहीं, मैं तो कपड़े बाहर ही भूल गई। वही बात तो है जिसकी वजह से मैं अंदर नहीं जाना चाहता। क्यों, है ना ये अच्छा? ये गायरो को जिस भी जगह सेट कर दो, वहाँ कोई भी नहीं जाना चाहेगा। पर अभी ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे माफ कर दो। जल्दी आओ। इस गैजेट की मदद से तुम आराम से माउंट हाकोगे का मजा ले सकते हो। हाँ, क्या सच में? एक बहुत ही कमाल की फिल्म की शूटिंग हो रही है। जल्दी चलो। उन्होंने फिल्म की शूटिंग कहा। मुझे आगे आने दो। अरे यहाँ पर तो बहुत भीड़ है डोरेमोन। नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। इसीलिए ये समय है गायरो इस्तेमाल करने का। अब मैं इस गायरो गैजेट को भीड़ की तरफ सेट कर देता हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। रेडी एक्शन। तुम बहुत ही बड़े हो। ये क्या हुआ? आखिर बात क्या है दोस्तों? सच में अब मुझ पर इसका असर नहीं हो रहा है। अरे वाह। आप फिक्र मत कीजिए, एक्टिंग करते रहिए। ठीक है, रुको मत, फिर से चालू करो। जल्दी। तुम बहुत बड़े हो। नोबिता, सुबह हो गई है, चलो चलते हैं। हकोगे, आखिरकार वो दिन आ गया। ठीक है, तो मैं पीपल रिपेलिंग गायरों को माउंट हकोगे पर सेट कर देता हूँ। क्या हम हकोगे पहुँच गए हैं? सब करो, जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो बहुत अच्छे होटल में खाना खाएंगे। पता नहीं क्यों मेरा वहाँ पर जाने का अब मन नहीं कर रहा। तुम सही कह रहे हो, अभी तो मैं घर पे बैठ के चाय पीना चाहती हूँ, पर हम यहाँ फंसे हैं। ओके, मैं सोच रहा था कि कहीं और ही चलते हैं। अच्छा, लगता है गायरों का असर तुम पर भी हो रहा है। ये लो, बैज लगा लो। अरे वाह, हम हकोगे जाएंगे। मॉम, डैड, प्लीज चलिए ना। बंडो पिता, डैड तो अभी गोल्फ खेलने चले गए। क्या? अरे लेकिन उन्होंने तो वादा किया था। कोई बात नहीं, आप चलिए। नहीं नोबिता, तुम जाओ, मेरा मन नहीं है। अरे हाँ नोबिता, उन पर भी तो असर हो रहा होगा। क्या फर्क पड़ता है, मैं शिज़ुका से पूछता हूँ, वो जरूर चलेगी हमारे साथ, देखना। नहीं, मुझे माउंट हाकोगे नहीं जाना। अरे मेरा विश्वास करो, वहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं होगी। नहीं जाना। अरे नहीं, ऐसा मत कहो। ये लो। वैसे सच कहूँ तो मैं भी चलना चाहती हूँ। तो
ठीक है, चलते हैं। वाह, हमारे अलावा यहाँ पर तो कोई भी नहीं है ना? सही कहा, चलो चढ़ना शुरू करें। मैं आगे आगे चलता हूँ। मैं तो थक गया और नहीं चल सकता। ओहो, पर हमने अभी तो चलना शुरू किया है। हिम्मत मत हारो लोबिता। प्लीज मुझे बैम्बू कॉप्टर दे दो ना। घूमते वक्त गैजेट्स का इस्तेमाल करना गलत है। मैं पॉकेट को ही छुपा देता हूँ ताकि तुम उसका इस्तेमाल कर ही ना सको। रोपवे स्टेशन बस थोड़ा सा ही आगे है नोबिता। चलो ना जल्दी से वहाँ चलते हैं। जैसा तुम कहो। हेलो, कोई है? कोई है क्या? ओ समझ गया, जो लोग यहाँ काम करते हैं वो भी यहाँ से चले गए होंगे। क्या, चलो फिर वापस चलते हैं। पर जब हम इतना दूर आ ही गए हैं तो कम से कम हमें ऊपर तक तो जाना चाहिए ना। सही कहा। हाँ। मैं थक गया, चलो वापस चले। हम इतनी दूर तक आ गए हैं, अब वापस जाने का कोई मतलब नहीं बनता। थोड़ी हिम्मत दिखाओ और चलो नोबिता। मुझे लगता है कि वे उतरने के लिए भी बने हैं। क्या हम अभी तक नहीं पहुँचे? ओहो, तुम कितनी जिद्दी हो। चलो शॉर्टकट अपना नहीं होगा। हाँ? क्या तुम्हें पक्का पता है यही रास्ता है? अब तुम मेरे ऊपर शक मत करो नोबिता, तुम्हारी वजह से ही हमें शॉर्टकट लेना पड़ रहा है, समझे? हाँ, पर ये तो ज्यादा मुश्किल है। अच्छी है, कितनी शांति है ना यहाँ। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ नोबिता। मुझे ये कहने में बुरा तो लग रहा है पर। अरे क्या हुआ? क्या बात है डोरेमोन? वो देखो कितने सुंदर फूल है। अरे वाह, कितने सुंदर है ना। बहुत सुंदर। वो मुझे लगता है, रुको, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम सही कह रही हो, मुझे लगता है हम खो गए। लगता है कुछ खो गया है। मैंने सुन लिया नोबिता। क्या कहा तुमने, हम खो गए हैं? अरे ऐसा मत कहो। हम खो गए हैं ना, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हारी वजह से ही तो हम इस रास्ते पर आए थे डोरेमोन। वो तो बस इसलिए क्योंकि तुम बार बार कह रहे थे तुम थक गए हो, इसलिए मैंने कहा हम शॉर्टकट ले लेते हैं। हाँ, मेरी गलती। प्लीज कोई हमारी मदद करो। कोई फायदा नहीं, अभी हाकोगे में पीपल रिपेयरिंग कारों की वजह से हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है। आखिर अब हम क्या करेंगे अगर यहाँ कोई शेर आ गया तो? बिल्कुल नहीं, ज्यादा से ज्यादा
यहाँ लोमड़ी या रकून देख सकते हैं और कुछ नहीं, इसलिए हमें यहाँ से निकलने का रास्ता खुद ही ढूंढना होगा। क्या वो पीपल रिपेलिंग गैजेट काम करना बंद करेगा? बिल्कुल करेगा, लेकिन लेकिन हाँ? क्या लेकिन 3 दिन बाद हाँ? अरे ये मैंने क्या गिरा दिया? ओहो ये बच्चे भी ना हाँ।